ऑफिस, क्योंकि इसलिए हम लोग ऑफिस की टाइमिंग सुबह की 7 बजे की है। आई एम वेटिंग फॉर माय बहनोई, मेरा बहनोई आके मुझे ले जाते हैं, क्योंकि उनका और मेरा एक ही जगह काम है, तो वही मुझे ले जाते हैं कभी कभार और कहता मैं आऊँगा। अरे तू जा रही? अब मैं वेट कर रही हूँ, अब तक आए नहीं है। फिलहाल तो मैं सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि ऑफिस से मैं फ्री होकर आऊँगी, फिर देखते हैं क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, और मैं आपको बताती रहूँगी। क्योंकि यार आपस कहते हैं शेडू अच्छी, शेडू मेरी सारी सारी लग रही है, शेड अच्छा आ रहा है। हे गाइस, तो मैं यही सोच रही थी कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरेगा, क्योंकि इसलिए थोड़ा रश कम था। तो हम लोग आ गए हैं द वन एंड ओनली अपने बाजार, सैटरडे बाजार, और हम कर रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग। तो फिलहाल मैंने सोचा कि मैं अभी स्टार ही गई हूँ, स्टार्ट ले ही गया था, मैं आपको भी साथ में ज्वाइन कर लूँ। चाहत मैं आपको कहा था सुबह हम लोग के, मैं पहले गई थी ऑफिस, फिर ऑफिस से हमारी ड्यूटी लग गई है यहाँ पे। अब ये कवर अप कर रहे हैं हम 5 लोग, उसको कवर अप करने का देखते हैं हम के आगे क्या होता है। 5 minutes later. सिर्फ मोटे मोटे कर ले आ रहे हैं। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को सीन दिखा दिया, जोरन बना रही है नगेट्स। मैं अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, मैं नमाज़ अदा करके अभी फारिग हुई हूँ और अपना काम वाम निपटा के मैं फारिग हुई हूँ। तो जोरन अब ये काम कर रही है, उसके बाद मामा अफ्तारी बनाई है, अफ्तारी का सीन दिखाऊंगी और फिर इंशाल्लाह रात को आप लोगों से मुलाकात होगी। चल झूठा, ये बना रही है, क्या बना रही है? चीज बोल रहा हूँ, नगेट्स चीज बोल, चीज बोल, इसके अंदर स्टार वाली चीज। क्या करना चाह रही हूँ, खोल लो एक दफा। मिला मामा वहाँ पे पका रही है, अभी हाथ जलता जोर इनका पूरा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पहले हम सपोर्ट करेंगे ये, क्या कहते हैं, approximately 10 hours later. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल रहा है। मैदा बोलते हैं आपको, पहली बार बोलते हैं नहीं पता, मैदा में कोट करेंगे, फिर दूसरे हाथ से इसको क्रम्स में कोट करेंगे, फिर उसी हाथ और तीसरे हाथ से डाल देंगे। तो जी हाँ, सुबह का पूरा दिन गुजार के मैं ऑफिस में चली गई थी। फिर ऑफिस से आने के बाद मैंने आपको थोड़ा बहुत शो करवाया कि मैं बाजार में थी, पर बाजार में जब मैंने ड्यूटी, जब आई मीन काम, एक बट रुक, ब्यूटीफुल भाई, एक बट रुको, जब मैंने काम शुरू किया बाजार में तो फिर मैं टाइम ही नहीं मिला फोन यूज करने का, क्योंकि ज्यादा बिजी, कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी ना। फिर मैं घर पे आ गई थी बाजार का एंड, ओ वाह, अब टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट अफ्तारी का। मैं आपको अफ्तारी के सीन दिखाती हूँ, सारे ड्राइंग में बैठ गए। अच्छा, फिलहाल मैंने आज बनाए थे अपनी फेवरेट। वैसे मैं आई नो, मैं थोड़ा वेट मेरा पुटन हो चुका, मैं मोटी हो चुकी हूँ, जहाँ इतनी मोटी हूँ थोड़ी सी और मोटी सही जाऊँगी मैं। और मैंने आज बनाए थे चीज़ी बोल, जिसमें ऐसे करके तार निकल रहे, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? आई नो, मेरी आंखें थोड़ी नशीली सी हो रही हैं, मुझे नींद क्योंकि आ भी रही है और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ। फिलहाल अब रोज़ा खोल लेते, रोज़ा का टाइम हो रहा है, अफ्तारी खोलने के अब कोई सीन नहीं लूँगी, बदतमीजी नहीं इसके अंदर। फिर अफ्तारी खोलने के बाद हम आपसे मिलते हैं। पापा आ गए, ओ वाह, पापा आ गए, भागो। सो गाइस, अनदर डे सेम ब्लॉग और कंटिन्यू वापसी बाजार में, क्योंकि आज हम फिर ऑडिट के लिए आए हुए थे, लेकिन हम लोग पहले आए थे फिर हम चले गए थे, मैंने उसका शूट नहीं करता। हम लोग फिर गए वापसी, फ्रेश हुए, देन वापसी आ गए कड़कती 12 बजे की धूप में, और हम लोग को वो पार और गंदे गंदे झूले झूल रहे ना हम लोग। आज हम ज़्यादा झूला बेसिकली झूल रहे हैं, क्योंकि धूप में ऐसी किससे हो रही है, नीचे पेड़ पड़ रही है, फिर से हमें फंस गया। अच्छा जी, आज है हमारा 5वां रोज़ा, पीछे तो देखो, तो बस आज आई आई ये चीजें पहन के अंदर क्यों डाल देती है कपड़े वपड़े, दिस इज बिजनेस। फिलहाल अभी मामा आपने बना रही है अफ्तारी, सहरी का नहीं दिखाया था, कि मैं थोड़े थोड़े करके व्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि रमजान में रोजे की हालत में मुझमें हिम्मत नहीं होती कि मैं कैमरा हाथ में पकड़ूं। अफ्तारी समझ गई मुझे, गाइस पहले से मैंने व्लॉग बनाया था और फिर वो कंटिन्यू किया था, आज इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मेरे सर में दर्द है, तभी आगे कंटिन्यू करेगी। बाय बाय, करती नहीं है व्लॉगिंग।
नहीं मैं करती हूँ, झूठ नहीं बोलना। मैंने एक्सपो के 3 दिन करे थे, फिलहाल मैंने ब्लॉग किया, लेकिन आज मैं सच में सर में दर्द हो रहा है बोलने तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मेरी स्टडीज चल रही है, क्योंकि मेरे रमजान के बाद, ईद के बाद पेपर से, तो बस हम अपने स्टडी पे फोकस करेंगे। ये सब चीज़ें नॉट अलाउड, मम्मी ने अलाउ की है, लेकिन हम वैसे नहीं करना चाह रहे, क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही दफा में पास करके निकाल लें। राजनीति से दूर रहना चाहिए, तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को समा। तो बस पढ़ाई पे ध्यान देंगे और रोज अच्छे से गुजारेंगे, और थोड़ी थोड़ी करके मैं आप लोगों को क्लिप्स शेयर करती रहूंगी। Minutes later. उस दिन भी परसों भी ना गांव में गोलियों की आवाज आई थी। नहीं यहाँ तक नहीं चलाते, उधर उधर ही चलाते। ओए वो धुआं निकल रहा है, वो थोड़ी ना होता है। हम लोग आ गए हैं छत पे थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए और सनवन वगैरह देखने के लिए। वैसे तो रोज ही सूरज आता है, रोज ही जाता है, हम रोज ही देख रहे होते, लेकिन फिर भी अब बस यहाँ से अच्छा आ रहा है। पकड़ लिया साड़ू, अच्छा जा रहा है, अच्छा ही जा रहा है, बस सुबह से जा ही रहा है, इतना सुकून।